सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमितन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने XR क्यों लिया, 11 क्यों नहीं लिया, iPhone 11 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो आपका एक कमेंट आया कि यार आपने बोला था बट आपने बताया नहीं, तो ठीक है मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया। लो ठीक है, तो इस वीडियो पूरा एंड तक देख देना। मैं इसमें सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ iPhone XR के बारे में एंड iPhone 11 के बारे में, क्योंकि मैंने 11 लेने का सोचा था बट मैंने फिर XR क्यों ले लिया। ठीक है, सो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, सो पूरा एंड तक देखना एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे मज़ेदार कंटेंट्स आते रहते हैं। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात, iPhone XR एक तरफ रखते हैं, iPhone 11 एक तरफ रखते हैं, ठीक है, एंड दोनों को प्राइस से कंपेयर करते हैं। iPhone XR आपको मिल जाता है 39,000 में एंड वहाँ पे iPhone 11 आपको मिल जाता है 50,000 या फिर 48,000 तक, चलो उसको ले लो। ठीक है, तो ज़्यादातर उसमें आपको 8-9,000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बट उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्प्ले पे आते हैं एंड डिस्प्ले पे देखते हैं। iPhone XR का डिस्प्ले है 6.1 इंचेस का एंड iPhone 11 का भी डिस्प्ले है 6.1 इंचेस का। ठीक है, एंड दोनों के डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या क्या है, तो दोनों HD+ डिस्प्ले हैं। ठीक है, iPhone XR भी HD+ डिस्प्ले है एंड iPhone 11 भी HD+ डिस्प्ले ही है। एंड दोनों की बिल्ड क्वालिटी को देख लेते हैं, तो दोनों में बैक में ग्लास आपको देखने को मिल जाता है, एल्युमिनियम का फ्रेम है। ठीक है, तो दोनों का डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी सिमिलर ही है। तो बात अलग कहाँ पे आती है, ठीक है, बात अलग आती है कैमराज पे। iPhone 11 में आपको 3 कैमराज मिलते हैं टोटल। रियर में आपको मिलते हैं एक कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल का है, जो कि नॉर्मल है, एक है वाइड एंगल कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल का है, एंड फ्रंट कैमरा मिल जाता है आपको उसमें 12 मेगापिक्सल का। ठीक है, एंड इन तीनों कैमराज में से आप 4K 60 FPS को रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड iPhone XR में यहाँ पे 2 कैमरा मिलते हैं टोटल, जो कि फ्रंट में आपको मिलता है 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि फुल HD 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, एंड जो है बैक कैमरा है वो 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में जब सोचा था लेने को iPhone 11, तो मैं इसी वजह से ले रहा था क्योंकि मुझे उसका कैमरा पसंद था, दैट्स वाई। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि iPhone 11 का कैमरा इम्प्रूव किया गया था iPhone 10 के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि iPhone 10 में वाइड एंगल कैमरा नहीं आया था एंड iPhone 11 में वाइड एंगल कैमरा आ गया। एंड कैमराज में नाइट मोड भी मिलता है आपको iPhone 11 में, iPhone XR में नाइट मोड नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक डिफरेंस है बड़ा सा, जो कि आप अगर आपको नाइट मोड बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको iPhone 11 लेना चाहिए, एंड अगर नाइट मोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको iPhone XR लेना चाहिए। एंड अब बैटरी की बात करते हैं। बैटरी बैकअप दोनों का लगभग सेम है। एप्पल क्लेम करती है कि iPhone XR से iPhone 11 का बैटरी 1 घंटे ज़्यादा चलता है। ठीक है, एंड वो 1 घंटे मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर वो डिपेंड करता है वो आपके यूजेस पे। ठीक है, अगर आप एक हार्ड कोर यूज़र हो फ़ोन में, ठीक है, आप गेम खेलते हो तो आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा अगर आप गेम खेलते हो तो। ठीक है, क्योंकि गेम खेलने पर बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आप बैटरी को पूरा 1 दिन चला दोगे, चाहे वो आप iPhone XR हो एंड 11 हो। एंड काफ़ी सारे कंपैरिजन में iPhone XR का बैटरी ज़्यादा अच्छा पाया गया है iPhone 11 से। तो यहाँ पे बैटरी का लेके हुआ, ठीक है, तो मेरा मेन चीज़ था iPhone लेने का सिक्योरिटी। ठीक है, एंड अगर आप सिक्योरिटी नहीं लोगे तो फिर आप एंड्रॉयड भी तो ले सकते हो यार। एंड्रॉयड में काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स मिल जाते हैं, खास करके OnePlus का। ठीक है, सो मेरा iPhone 11 लेने का मेन रीज़न यही था कि मैं Android यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं iOS डिवाइस ट्राई करना चाहता था कि iOS डिवाइस कैसा रहता है, कैसा परफॉर्मेंस है उसका। ठीक है, क्योंकि Android तो ऑलरेडी मैं 2 फ़ोन यूज़ कर चुका था। ठीक है, तो मैंने इस वजह से Android नहीं लिया एंड iOS के ऊपर गया। ठीक है, एंड बाकी अगर आप Flipkart पे भी कभी कंपेयर करने के लिए, आप एक बार कंपेयर करने के लिए डालना कि दोनों फ़ोन में क्या क्या सिमिलर है iPhone 11 और XR में, तो ज़्यादा करके आपको सिमिलर ही मिलेगा। जैसे कि मैं आपको अगर अभी बताऊँ तो ये है मेरा XR। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं Flipkart में आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको सिमिलर मिलता है, तो यहाँ पे आप देखते जाओ एक के बाद एक। ठीक है, 15.49 सेंटीमीटर, मतलब 6.1 इंचेस का लिक्विड रेटिना HD+ डिस्प्ले, जो कि मैंने आपको बताया ही था। एंड यहाँ पे iPhone XR में मिल जाता है आपको 6.102 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि लिक्विड रेटिना HD डिस्प्ले ही है। ठीक है, 12+12 डुअल कैमरा जो कि iPhone 11 में मिलता है, एंड 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सिंगल जो कि आपको XR में मिलता है, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि आपको iPhone 11 में मिलता है, एंड 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि आपको XR में मिलता है, एंड A13 बायोनिक चिप आपको मिलती है। जो प्रोसेसर है वो अपग्रेडेड है। ठीक है,
A13 बायोनिक चिप मिलती है आपको आईफोन 11 में, A12 बायोनिक चिप मिलती है आपको आईफोन XR में। एंड अगर आप कंपेयर वीडियो देखोगे, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे जब आप कोई फ़ोन लेते हो तो कंपेयर वीडियो तो देखते ही हो कि कितने सारे फ़ोन से कंपेयर करने से कौन सा फ़ोन फास्ट है। तो मैंने भी लेने के पहले बहुत सर्च किया था, ठीक है, तभी मैंने लिया हूँ। ऐसे कोई मतलब अगर हम बजट वाले भाई मिडिल क्लास हैं तो हम सर्च करेंगे। तो मैंने इसमें देखा कि आईफोन 11 और XR बहुत ही सारे ऐप्स ओपनिंग टाइम में सेम निकल रहा था, एंड कभी कभी तो आईफोन XR भी जीत जा रहा था, ठीक है। तो वो उतना मैटर नहीं किया स्पीड इसमें, A13 एंड एक जनरेशन का ही फ़र्क है, एंड दोनों फ़ोन्स 5 साल तक कैपेबल रहते हैं एप्पल के, वो प्रॉपर अपडेट देते रहते हैं एप्पल हमें, ठीक है। तो आपको iOS 14.2 दोनों में देखने को मिल जाता है, प्लस 1 ईयर की वारंटी दोनों में है, ये तो खैर छोड़ दो, ठीक है। डुअल सिम दोनों में है, एंड आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है दोनों में, एंड आईफोन 11 में भी आपको एक eSIM मिलता है, एंड XR में भी आपको एक eSIM मिलता है। एंड अगर आप देखोगे जो इसके डिस्प्ले की पिक्सल पर इंच है PPI, ठीक है, वो है 1792x828 pixels, एंड जो आईफोन XR का है वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है, एंड सारी चीज़ आपको मिलते हैं 4G, तो खैर वो सब तो नॉर्मल ही है। सो मेरा iOS डिवाइस लेने का मेन रीज़न यही था कि मैं सिक्योरिटी चाहता था, ठीक है। एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, जब से मैंने iOS लिया है मैसेजेस काफ़ी आने कम हो गए हैं, ठीक है। सो एक दिन में मेरा स्क्रीन ऑन टाइम रहता था एंड्रॉयड में करीब 9 घंटे का, एंड जब से मैंने वो iOS में शिफ्ट हुआ तब से वो घट के 6 घंटे हो गया, ठीक है। तो मैंने फ़ोन यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया जब से मेरे पास ये आया है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से आप इसमें बंद जाते हो, ठीक है। कोई क्रैक वर्जन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो आपको इंस्टॉल करना है वो आपको इसके ऐप स्टोर से ही करना है, बाहर से आप कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है, एंड यार फ्यूचर में लेंगे। सो अभी फ्यूचर में आने वाला है iPhone 13, जो कि अक्टूबर तक लॉन्च होगा, एंड अभी से लीक आने शुरू हो गए उसके, तो देखा जाएगा iPhone 13 लेंगे, ठीक है। एंड एक बात मैं बता देता हूँ, मैं XR और 11 के बीच में एक पॉइंट मैंने देखा था कि दोनों 4G हैं, एंड अभी 5G फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो अभी 5G का टाइम आ रहा है, एंड 5G फ़ोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं, दो तीन साल के अंदर 5G आ ही जाएगा इंडिया में। तो फिर यार 4G फ़ोन लेके क्या करना। अब एक बार मैं iPhone 11 ले लेता तो फिर मैं 5 साल तक तो मैं सोचता नहीं, 5 या 4 साल तक मैं सोचता नहीं कि फ़ोन चेंज करना, क्योंकि iOS एक बार आप लेते हो तो वो आराम से 5 साल चल जाता है। एंड्रॉयड नहीं है कि 1 साल के बाद वो हैंग करने लगेगा या फिर आप पुराना हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आजकल आप देखते हो एंड्रॉयड फ़ोन इतने लॉन्च हो रहे हैं, रियलमी हफ्ते में 2-3 फ़ोन लॉन्च कर देता है, यार मुझे समझ में नहीं आता। OnePlus एंड Samsung तो फिर भी ठीक है, Samsung बजट फ़ोन निकालता है, बट जो उसका फ्लैगशिप रहता है वो टाइम पे निकालता है, एंड OnePlus तो साल में 2-3 फ़ोन्स निकालेंगे, वो मुझे काफ़ी सही लगता है। बट आजकल के जो फ़ोन के साथ हो रहा है कि यार एंड्रॉयड फ़ोन निकले जा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। आप एक बार फ़ोन ले लेते हो एंड 2 हफ्ते के बाद वो फ़ोन पुराना हो जाता है, तो ये थोड़ी अच्छा लगता है। iPhone 13 लॉन्च होने वाला है, वो लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैंने बता दिया कि मेरा क्या रीज़न था, मेरे को बस सिक्योरिटी चाहिए थी यार, बस और कुछ नहीं। आईफोन में सिक्योरिटी एंड कैमरा मेरा उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी मेरे पास है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैमरा उतना मैटर नहीं करता, एंड इसमें आपको कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से मुझे एक याद आया कि इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड ह्यूमंस तक ही मिलता है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का पोर्ट्रेट मोड लेने जाओगे तो वो नहीं काम करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, एंड सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे आने वाले हैं वीडियोस, एंड कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद गेमिंग टेस्ट आएगा, कैमरा रिव्यू आएगा, ठीक है। तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हो मुझे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ये फ़ोन का कुछ भी खरीदने में इंटरेस्ट है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीद सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़।